इस वक्त मैं अंतागढ़ विधानसभा के आलदंड गांव में हूं, और गांव में क्यों हूं, चुनाव से क्या मतलब है यहां इस गांव का, और क्या नाता है नेताओं से, सरकार से, माओवादियों से, सारी चीज़ें बताता हूं। यहां से आज एक भी ग्रामीण जो है वो आलदंड जाकर, वो छोटे बिटिया जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। आगे बढ़ा तो एक स्कूल नजर आया, और स्कूल में ये माओवादियों का नारा नजर आया, जिसमें उन्होंने लिखा है, ब्राह्मणी हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा को मार भगाओ, चुनावी रास्ता हमें नहीं चाहिए, हमारा रास्ता है नक्सलवाड़ी। तो दीदी, आप लोग भी वोट देने नहीं गए, आज चुनाव है? हम लोग नहीं जाते हैं, मैं तो कभी गई नहीं। और सरकार हर जगह से नक्सलवाद समाप्त करने का दावा कर रही है, लेकिन इस तरह के नारों को नहीं मिटा पा रही। ऐसी छोड़ दी आम छीनने की, और पढ़ना था ना बेटा, आगे क्या दिक्कत हो गया, पैसा कौड़ी? तो मुझे लगा आलदंड आना चाहिए, आलदंड में आने के बाद देखना चाहिए कि क्यों लोग वोट नहीं कर रहे। लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण, जिसमें कांकेर लोकसभा भी शामिल है, छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा में, और इस वक्त हम अंतागढ़ विधानसभा के अंतर्गत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो छोटे बेठिया एक इलाका है जहां पे कई पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया गया है, वहां हम जब पहुंचे तो पता चला आलदंड का एक भी व्यक्ति वोट देने नहीं पहुँचा। क्यों, हम जानने के लिए गाँव पहुँचे हुए हैं। गाँव के क्या हालात हैं वो बताता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। एक दूसरे वीडियो में गांव वालों से बातचीत हुई, गांव वालों ने कहा कि नक्सलियों के फरमान भी हैं और साथ ही साथ डर भी है, गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जाता, इसलिए कोई नहीं जाता, नेता पूछने नहीं आते, और गांव की बहुत सारी समस्याओं को कोई सामने लाता नहीं, इसीलिए कोई वोट देने भी नहीं जाता। आगे बढ़ा तो एक स्कूल नज़र आया, और स्कूल में ये माओवादियों का नारा नज़र आया, जिसमें उन्होंने लिखा है, ब्राह्मणी हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा को मार भगाओ, चुनावी रास्ता हमें नहीं चाहिए, हमारा रास्ता है नक्सलवाड़ी, झूठे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करो। अभी नारों से 2-3 सवाल उठते हैं। पहला ये कि ये विधानसभा चुनाव के बहिष्कार के दौरान के नारे हैं, लोकसभा चुनाव आ गया लेकिन अब तक किसी ने जहमत नहीं उठाई कि नारों को हटा दिया जाए। दूसरी चीज़, इस पर केवल भाजपा का जिक्र है, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काबिज थी, उसके बावजूद माओवादी केवल भाजपा का विरोध कर रहे थे अपने विधानसभा चुनाव के अंतर्गत। और तीसरी चीज़ ये कि विधानसभा चुनाव के दौरान लिखे गए नारे आज लोकसभा चुनाव तक इसी तरह हैं, किसी ने इसे मिटाने की जहमत नहीं उठाई। कारण ये है कि माओवादियों का डर, कोई भी उनके लिखे गए नारों को नहीं उठाता। ये सारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं। और बेटा, कहाँ पढ़ते हो, कौन से कक्षा में पढ़ते हो? तीसरी। स्कूल कहाँ है? मैं गोरागांव में पढ़ता। गोरागांव, यहाँ पे कौन पढ़ता है? इन लोग। तुम लोग यहाँ पढ़ते हो, क्या नाम है? निर्मल। कौन सी कक्षा में हो? तीसरी। तीसरी, और ये स्कूल है? हाँ। अच्छा, आप जाते हो स्कूल? आंगनबाड़ी जाते हैं। और तुम जाते हो आंगनबाड़ी? क्या नाम है पिंटू। पिंटू, बहुत अच्छा। पिंटू हैं और ये सब बच्चे हैं, खेल रहे हैं ये सभी बच्चे, इसमें से एक तो बाहर, बाकी 2 बच्चे यहाँ इस स्कूल में पढ़ते हैं। अब आप सोचिए, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब अनार क्या, आम क्या, इमली की पढ़ते होंगे, और उसे पढ़कर जब वो शब्द बनाते होंगे, तो क्या उस शब्द जोड़कर माओवादियों के इस नारे को नहीं पढ़ते होंगे? और सरकार हर जगह से नक्सलवाद समाप्त करने का दावा कर रही है, लेकिन इस तरह के नारों को नहीं मिटा पा रही। तो नक्सलवाद कब मिटाएगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और इस गांव में मैं आपको बताऊं, बिजली लगी हुई है, गांव तक सड़क है, कच्ची सड़क है, नल जल योजना के कनेक्शन लगे हैं, ये बात अलग है कि अभी तक टंकी नहीं बनी, इन नल के पाइपों में पानी कैसे आएगा नहीं पता, लेकिन यहां नेता नहीं आते, अधिकारी नहीं आते, और गांव के लोग वोट देने नहीं जाते, उसके पीछे इस तरह के नारे और फरमान भी हैं। दरअसल ये आलदंड है, इस गाँव में मैं पहुँचा हुआ हूँ तो मैंने देखा कि चारों तरफ ये बिजली के खम्भे लगे हुए हैं, और आजकल एक नल जल योजना चल रहा है, नल जल योजना के तहत घर घर तक पानी के कनेक्शन दिए जाने, उसको लेकर ये पाइप यहाँ पे गड़ा हुआ है, और इस पाइप से आपको हर घर के अंदर एक नल का कनेक्शन दिया जाएगा, सरकार की ये योजना है। इसके लिए एक बड़े टंकी का निर्माण किया जाना है,
और उस टंकी से पूरे घर में हर एक घर में पानी पहुंचेगा। यहाँ मैं पहुंचा और इस गांव में आने का ख़ास मकसद ये था, छोटे बेटिया में 22 पोलिंग बूथ जो हैं जो शिफ्ट किए गए हैं उसमें से आलदंड का भी छोटे बेटिया में शिफ्ट किया गया है। जो 20-22 जो पोलिंग बूथ शिफ्ट किए गए हैं सभी छोटे बेटिया में, कुछ संगम में हैं कुछ अलग अलग इलाकों में। तो मैं यहाँ जो पहुँचा हूँ आलदंड, यहाँ पर यहाँ का जो पोलिंग बूथ है वो छोटे बेटिया में शिफ्ट किया गया है। कोटरी नदी पड़ेगा, कोटरी नदी के दूसरी तरफ में छोटे बेटिया। यहाँ से आज एक भी ग्रामीण जो है वो आलदंड जाकर वो छोटे बेटिया जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो मुझे लगा आलदंड आना चाहिए, आलदंड में आने के बाद देखना चाहिए कि क्यों लोग वोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ जब मैं पहुँचा हूँ तो ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक तो गाँव में लगभग सन्नाटा पसरा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ अधिकतर घरों में आप देखेंगे, वो थोड़ा सा भाईजान जूम कर देंगे अगर दिख रहा हो तो, हाँ ये देखिए माओवादियों के नारे लिखे हुए हैं कि झूठे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें। इस तरह से यहाँ इस घर में इस गांव में जिस भी घर पे मैं जा रहा हूँ हर जगह पे इस तरह के नारे अधिकतर। अब देखिए यहाँ पे नारा लिखा हुआ था लेकिन इसे ग्रामीणों ने काफ़ी हिम्मत करके मिटा दिया, ये आप देख रहे होंगे नीले रंग का। और इसके अलावा और भी जगह पे नारे लिखे रहते हैं लेकिन बहुत जगह पे ग्रामीणों ने मिटाने की हिमाकत नहीं की है, क्योंकि अगर नारे मिटा दिए जाएंगे तो निश्चित ही तौर पर इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इस गांव से कोई भी व्यक्ति वोट देने नहीं गया। एक हैंडपम्प नज़र आ रहा है, हैंडपम्प बंद है, मुझे लगता है हैंडपम्प से पानी नहीं आता है। एक घर है यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं इनसे बातचीत करते हैं, दादा वो जो हैंडपम्प है उससे पानी आता है क्या? बाहर में जो हैंडपंप है पानी नहीं आता? अच्छा, कुत्ते इतना ज़्यादा क्यों भौंक रहे हैं? वो हैंडपंप से पानी नहीं आता? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सिद्धू। तो सिद्धू आप लोग पानी कहाँ से लाते हो पीने के लिए? हम उधर नल है तो दूर में। किधर? इस तरफ। अच्छा, हाँ भैया कहाँ गए आपके? पता नहीं अंदर गया। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ पे हैंडपम्प को बना क्यों नहीं रहे? पता नहीं इसको तो जो नहीं जानता। क्या करते हो आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं? उम्र कितना हो गया? उम्र 21। 21 हो गया? तो वोट देने गए थे? नहीं। क्यों? कोई गए नहीं तो हम लोग भी नहीं गए। अच्छा, कोई नहीं गया इसलिए आप लोग भी नहीं गए? हाँ। तो मन होता है क्या वोट देने का? ऐसा तो कभी दिए नहीं तो कुछ बता नहीं सकता मैं। अच्छा, कभी दिए नहीं तो कभी बता नहीं सकते। तो वोट क्यों नहीं देते हो? मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ गाँव में माओवादियों का फरमान लिखा, तो डर से नहीं गए कि नेता लोग आते नहीं है पूछने इसलिए नहीं गए गुस्सा में? नहीं जानता हूँ सर उस समय। अच्छा, नहीं जानते? ठीक है। दीदी क्या कर रही हो? आम छील रही हो? इसको क्या बनाओगे, अमचूर? हाँ। तो ये आम का यहीं का है कि जंगल से लाए? खेत से लाए। खेत से पेड़ लगाए थे आप लोग? हाँ। अच्छा, इसको सुखा के अमचूर फिर बेचोगे? नहीं, घर के लिए। घर के लिए? बहुत बार बाजार में बेचते भी हैं ना अमचूर में? देखो हाँ बेचते हैं पर हम लोग नहीं बेचते। अच्छा, आप लोग नहीं बेचते, घर के लिए ना? हाँ। ये साल भर में खत्म हो जाएगा खा के, पुराना अमचूर भी होगा? हाँ हो जाएगा। जैसे शहर में लोग अचार अचार बनाते हैं वैसे ना? हाँ। आप लोग अचार नहीं बनाते? बनाते हैं अचार भी। अचार भी बनाते हैं? ठीक है। तो दीदी आप लोग भी वोट देने नहीं गए, आज चुनाव है? हम लोग नहीं जाते हैं, मैं तो कभी गई नहीं। आप भी कभी नहीं गई? क्यों नहीं जाते हो? मैं नहीं गई, मेरा वोटर आईडी बना भी नहीं था, इन्हीं साल बना। अच्छा, अभी बन गया? हाँ। लेकिन फिर भी नहीं गई? नहीं गई। गांव से कोई नहीं गया ना? कोई नहीं गया इसलिए नहीं। हाँ। आप पढ़ाई की हो? नहीं की। थोड़ा भी नहीं पढ़े? नहीं। ये बच्चे गुड़िया पढ़ी है ना? हाँ पढ़ी। गुड़िया कहाँ तक पढ़ी हो? नवीं। नवीं, फिर क्यों छोड़ दी? नहीं ऐसी छोड़ दी आम छीलने के लिए? और पढ़ना था ना बेटा आगे? क्या दिक्कत हो गया? पैसा कौड़ी की दिक्कत था क्या? जी सर। पैसा तो सरकार बोलती है कि हम बच्चियों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। कैसे दादा, ये आपकी बच्ची है? तो सरकार तो बोलती है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं बोल के। देगा, नहीं देगा। हाँ। फालतू बात करता है वो, कोई को तो मिलता है। रुको मैं आपके पास आ रहा हूँ, दादा से पास में बात करते हैं। तो सरकार बोलती है बच्ची लोगों को बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर पढ़ाते नहीं है क्या सरकार फ्री में? पढ़ाता है, मतलब पैसे वैसे कुछ नहीं, वहाँ दिक्कत पड़ता है थोड़ा। पैसा हमको गरीब वाला को कहाँ से मिलेगा,
उतना तक तो नौवीं आठवीं तक भेजा, बाद में तो पैसा ही नहीं है, कुछ नहीं। नहीं तो पैसा लगता है क्या जेब से? जो उतना तक सकती है, थोड़ा बहुत लगता ही होगा। ओ कहाँ पढ़ती थी बच्ची? बांदे में भेजा। बांदे तो दूर है यहाँ से, मतलब हॉस्टल में। अच्छा, वहाँ हॉस्टल में रहते। हाँ। थोड़ा बहुत खर्चा महीना का देना ही पड़ता था ना? हो कितना देते रहे खर्चा? हाँ, 2000-1000 ऐसे देता रहा हर महीना। थोड़ा कापी कलम साबुन लत्ता कपड़ा। हाँ, हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा तो लगता है। ये बच्चा पढ़ता है? तुम पढ़ते हो? पढ़ते हो? अच्छा, पखांजूर में। ठीक है दादा, आज वोट देने गए? नहीं गया। नहीं गए? कैसे कैसे नहीं गए? दिखा उंगली काहे के लिए? क्या डर लग रहा था क्या? ये सब लोग नहीं जाते हैं ना, इसलिए नहीं गया है। अच्छा, सब नहीं जाते इसलिए? सब लोग एक शोर होकर नहीं जा रहे हो क्या? बातचीत करते हैं क्या? नहीं जाएंगे बोल के आज? बातचीत भी नहीं करता है, मतलब नहीं जाते इसलिए नहीं जाता है हम। अच्छा, कोई जाता नहीं है इसलिए नहीं? वो पूरा गांव मन में वो दादा मन फरमान लिखे हैं वो चुनाव का बहिष्कार करो, इसलिए नहीं जा रहे थे क्या? नहीं, उससे मतलब नहीं। वो पहले कल समय में जाता रहा, मतलब आज कल ऐसे नहीं है। अच्छा, वो चुनाव वो जो लिखा है नारा उसके कारण नहीं ना? नहीं है उसका कारण। नेता लोग आते हैं दादा? नेता लोग नहीं आता है ना इधर कोई गांव में? कहीं झंडा बैनर पोस्टर भी नहीं लगा है ना? इधर जो है नदी के इस पार एक दूसरा संसार, यहाँ कोई नेता नहीं आता। जब नेता इधर नहीं आते तो वोटर उधर नहीं जाते, दोनों के बीच में एक अजब सी अलग सी नाराजगी है, और उस नाराजगी को वो नदी जो है, नदी का क्या नाम है दादा? कोटरी नदी। कोटरी नदी, कोटरी नदी गवाह है। वो गवाह है इस बात की कि उस नदी के उस पार से नेता इधर नहीं आएंगे, वोटर इधर से उधर नहीं जाएंगे, ग्रामीण जाएंगे, ग्रामीण बाजार जाएंगे, लेकिन वोटर वहाँ पोलिंग बूथ तक नहीं जाएंगे। इसके पीछे डर, भय, नाराजगी सभी चीज़ें इस पूरे गांव में, आलदंड में माओवादियों के जो विधानसभा चुनाव के दौरान के उनके नारे लिखे हुए हैं कि विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उनकी अपनी विचारधारा। अब आप सोचिए, विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, लोकसभा चुनाव आज हो रहा है, संपन्न हो जाएगा, नारे नहीं मिटाए गए। नारे इसलिए नहीं मिटाए गए कि उन नारों से ग्रामीणों को कोई उत्साह मिल रहा है। नारे इसलिए नहीं मिटाए गए हैं क्योंकि कोई अगर उस नारों को, जो भी उस नारे को मिटाएगा, तो जो नक्सली हैं वो उसे सजा देंगे, देते हैं हमेशा, क्योंकि उनके लिखे बैनर पोस्टर वो नहीं चाहते कि कोई भी हटाए और उनकी विचारधारा को मिटाने की कोशिश करे। जो भी कोशिश करेगा उसे उसका दंड जरूर मिलेगा। तो एक डर भी है, नेता आते नहीं इसकी नाराज़गी है, गांव में समस्या है, पीने का पानी इस इलाके में नहीं है, तो गांव वालों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, अस्पताल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि यहां तक आने के लिए सड़क नहीं है, हम अपनी कार से आए हैं, मतलब गाड़ियां आती हैं यहां पे, तो हॉस्पिटल यहां पे बनाया जा सकता है लेकिन हॉस्पिटल है नहीं, नदी के उस पार हॉस्पिटल है, व्यवस्थाएँ नहीं है, राशन का दादा राशन चावल कहाँ से लेते हो? बेटिया। बेटिया नदी उस पार से? जो नदी इधर नहीं मिलता इधर, अभी कंदड़ी लाता है, बाद में तो बेटिया जाना पड़ता, नहीं तो बेटिया जाना पड़ता, डोंगा में बैठ के, डोंगा में बैठ के बारिश के समय, बारिश के समय चावल लाते हो, इधर पैदल लाना है? इधर पैदल लाना है। अच्छा, और बीमार हो जाने से बारिश के समय कैसे जाते हैं? वही डोंगा में जाना पड़ता है। और ऐसे नहीं तो एम्बुलेंस आता है? अभी बुलेंस आता है, एम्बुलेंस आता है। अच्छा, बाकी अस्पताल खुल जाने से ठीक रहता है ना, लोगों को परेशानी नहीं होता? तो इस तरह की समस्याएं हैं और सरकार इनकी समस्याएं नहीं देखती, तो ये आपके लोकतंत्र को नहीं देखते। इसके पीछे आप तमाम कारण जोड़ सकते हैं, माओवादियों के डर से नहीं आ रहे हैं, माओवादियों के बहाने से आप इन समस्याओं से आँख नहीं चुरा सकते। समस्याएं छोटी छोटी समस्याएं आपके लिए, इनके लिए बड़ी समस्याएं, समस्याओं का समाधान करेंगे तो शायद ये ग्रामीण आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके इस लोकतंत्र के पर्व में थिरकेंगे, जरूर थिरकेंगे मन से और पूरे समर्पण भाव से। यह वजह है कि बस्तर के अधिकांश इलाकों के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण वोट नहीं देते। हर गांव की अलग कहानी है, अलग समस्या, अलग परेशानी है। यह आलदंड की कहानी थी। अगर आपको लगे कि इस कहानी को जानना जरूरी था, जो कहानी नहीं हकीकत है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।